पापी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शादी को 1 साल हो गया लेकिन अभी तक मैं सिर्फ इनकी बीमारी और लोगों के ताने सहती आ रही हूँ। परेशान नहीं हो किरण, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा आपी, और मेरे पास खुश होने के लिए है ही क्या। अच्छा अच्छा किरण बेटा, तुम रो तो नहीं ना, परेशान नहीं हो, तुम देखना आगे सब कुछ अच्छा होगा। आप कह सकती हैं आप ही है, क्योंकि आपके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। मुझसे पूछे, मैं शादी के पहले महीने से लेकर अब तक सिर्फ इनकी बीमारी और लोगों के ताने सहती भी आ रही हूँ। हमारे हालात तो इतने खराब है आप ही, कि एक वक्त तक खाने के दूसरे टाइम का पता नहीं होता। एक फ्लैट था वो भी इनकी बीमारी की नजर हो गया है, और अब माली मकान रोजाना किराए के लिए हमारे घर के चक्कर काटता रहता है। अच्छा अच्छा किरण बेटा, रो नहीं, तुम रो नहीं, मैं करती हूँ कुछ, तुम देखना आगे आने वाला वक्त अच्छा ही होगा। नहीं आपी, कुछ ठीक नहीं होगा। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी कोई औलाद नहीं है, वरना पता नहीं क्या होता। बेटा मैं सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ। और अम्मी अब्बू के बाद मैंने ही तुम्हारा ख्याल रखा ना, तो आगे भी रखूंगी। तुम परेशान नहीं हो, मैं करती हूँ कुछ। आपदा आपदा किरण, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है बेटा? ठीक है आप ही सही। क्या बात है भाई, इस चांद से चेहरे पे ये उदासी कैसी? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम रो रही हो? नहीं। देखो आपदा, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया, और ना ही तुम्हें कभी मैंने मजबूर किया कुछ बताने पर, लेकिन तुम रो रही, आखिर वजह क्या मुझे बताओ। छुपाया तो मैंने भी कभी आपसे कुछ नहीं है, सिवाय किरण के घर की परेशानियों के। किरण के घर के हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। तो आप दो मुझे प्लीज खुलकर बताओ क्या बात है। काशिफ डायलिसिस पे आ चुका है। किरण की खुशहाल जिंदगी तो काशिफ की बीमारी ने जैसे छीन ही ली है, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि किरण किसी भी हाल में काशिफ को नहीं छोड़ेगी। अगर सुबह का खाना बन जाता है तो शाम का पता नहीं होता। मकान का किराया महीने हो गए उसने नहीं दिया, यहाँ तक कि मालिक मकान धमकियों पर आ चुका है। मगर उनका तो अपना फ्लैट था ना? वो फ्लैट भी उनकी बीमारी की नजर हो चुका है, कब का बिक चुका है। मैं अपनी बहन को इस हाल में नहीं देख सकती। अम्मी अब्बू के बाद मैंने ही तो किरण का ख्याल रखा है, मैंने उसकी शादी की, मैं कैसे उसे इस हाल में देख सकती हूँ। अच्छा अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं काम करता हूँ, सुबह उनके घर पर राशन डलवा देता हूँ, उनके मकान के किराए देता हूँ, ठीक है? नहीं रिजवान, बात महीने दो महीने की तो है ही नहीं, अब काशिफ की ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि वो काम पर जा सके। अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ कहो, मैंने आज तक तुम्हारी किसी बात का बुरा माना है जो आज मानूंगा? मैं चाहती हूँ कि हम लोग उन दोनों को अपने घर ले आए, हमेशा के लिए नहीं, बस थोड़े से टाइम के लिए। अच्छा अच्छा तुम रोना तो बंद करो, ठीक है? मैं ऑफिस से वापसी में उन लोगों को साथ ले आऊंगा। वैसे भी आपदा, हमारे कोई औलाद तो है नहीं, इतना बड़ा घर खाली पड़ा है, और मैंने आज तक तुम्हारी किसी बात को टाला है, अब खुश? थैंक यू सो मच रिजवान, आप दुनिया के सबसे अच्छे शोहर हैं। तो तुम भी दुनिया की सबसे अच्छी बीवी बनकर एक कप चाय पिला दो मुझे। हाँ जरूर। रिजवान भाई, बहुत एहसान है आपके हम पर, एक और एहसान करके आपने हमें शर्मिंदा कर दिया। देखो काशिक, या तो तुम मुझे भाई मत बोलो, या फिर ये ना एहसान और शर्मिंदगी की बातें मत करो। अरे ऐसे वक्त में गैर कामियाते अपने ही अपनों के काम आते हैं यार। ए भी रिजवान भाई, आपके हम लोगों पर बहुत एहसान आता है। मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया ना तुम्हारी बहन ने किया है, अगर कोई शिकायत है ना तो उसी से करना तुम। नहीं नहीं भाई, शिकायत तो कोई भी नहीं है, बल्कि मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत खुश रखे, आप लोगों का नसीब अच्छा करे। आमीन। बस किरण दुआ करो कि काशिफ को डोनर मिल जाए, इंशाल्लाह ताला
इसकी इस बीमारी से जान छूट जाएगी हमेशा के लिए और अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा ये। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो चलो समेटो कपड़े, चाय का टाइम हो गया। अरे आप ही इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, रहने देती ना। लो इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, इस बहाने में भी पी लूंगी। अरे आपदा बहन, आप लोगों का ये एहसान हम सारी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। कैसी बातें करते हो काशिफ, बुरा वक्त तो किसी पर भी आ सकता है ना, और फिर अपने ही तो अपनों के काम आते। अब मैं आ गई हूँ ना, अब पूरे घर का काम तो मैं संभाल लूंगी। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको घर के काम करने की, आप यहाँ मासी बनकर नहीं आएंगे। आपदा, आपदा। जी जी यहाँ हूँ मैं। अरे भाई बहन के आते शोहर को भूल गई तुम। आपको कैसे भूल सकती हूँ, आपके होने की वजह से ही तो मेरी जिंदगी में सब कुछ है। अच्छा अच्छा, इससे पहले कि तुम फिर से इमोशनल हो जाओ मैं तो यहाँ से निकलता हूँ। अच्छा भाई मेरी जरूर मीटिंग है, इंशाल्लाह रात के खाने में मुलाकात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। किरण क्या कर रहे हो तुम्हें, हटो हटो, चलो उधर सब हो जाएगा। अरे आप ही क्या हो गया है, ये मेरी बहन का घर है ना, आपका हाथ उठाना तो मेरा फर्ज है। और वैसे भी जो कुछ आप मेरे लिए कर रही है ना, उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। छोटी बहन हो ना तो छोटी बनकर रहो, समझे तुम। और ये सब कहकर ना तो मुझे शर्मिंदा ना क्या, मेरी नेकी मत जाया करो बेटा। आप ही, ऐसी कोई बात नहीं है, ये थोड़े से बर्तन पड़े हुए देखे तो मैं धोने के लिए आ गई थी। वैसे अम्मी होती ना मुझे आम ही की तरह डांटा करती है, इसीलिए मैंने अम्मी की निशानी तुम्हारे पास रखवाई है, ताकि जब भी तुम्हें अम्मी याद आए ना तुम उसे देख लिया करो। अरे तुम्हें पॉलिश करा लिया था अम्मी का सेट? जी 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 जी। पता है तुम्हें कब से काशिफ आवाजें दे रहे पानी के लिए? कसम से आप ही बिल्कुल भी आवाज नहीं आई, मैं उन्हें पानी देकर आ गई। मैं देकर आ गई हूँ पानी, आओ अब बैठो वहाँ जाकर, मैं चाय बनाती हूँ, फिर मजे मजे की बातें करते हैं। चाय भी पियेंगे और बातें भी करेंगे, लेकिन शर्त है कि चाय मैं बनाऊंगी। सुधरोगे नहीं तुम, आप जाके बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। जल्दी से लेके आओ। सही। अरे रिजवान भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, ये टायर बार बार शिकायत कर रहा था, कि भाई पंक्चर वाले की दुकान देखनी है, वो दिखाने आ गया मैं। भाई आप तो बुरा मान गए, मेरा मतलब था कि आजकल आप इलाके में नजर बहुत कम आ रहे हैं ना। अरे हम तो नजर आना ही नहीं चाहते, ये टायर पंक्चर हो गया तो नजर आ गए। वो घर का कुछ सामान खरीदना था, सोचा लगे हाँ तो वो भी खरीद लें। कभी आइएगा ना हमारे घर पर भाभी के साथ खाने पर। रहा चलते दावत कभी कबूल नहीं करेंगे हम। ऐसा करें पहले आप आए हमारे घर पर भाभी के साथ, हमारे मेहमान बने, अब फिर हम आपके साथ हो लेंगे। आप तो बुरा मान गए। अरे भाई पंचर बन गया यार। हाँ पंचर लग गया। अरे हाँ हाँ बन गया, चलें फिर मुलाकात होती है। हाँ हाँ मिलते फिर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए जनाब आपकी गर्मा गर्म चाय। क्या चीज ढूंढ रहे हैं वॉलेट में? कुछ नहीं, बस कुछ पैसे कम लग रहे हैं। मैंने सामान तो चेक किया है, सामान तो आप पूरा लाए। हाँ सामान तो पूरा, लेकिन पैसे पूरे नहीं है। कहीं रुके थे रास्ते में? हाँ नहीं रुका तो कहीं नहीं था। हाँ वो गाड़ी पंक्चर हो गई थी, पंक्चर बनवाया है, वहाँ वो इकबाल से मुलाकात हो गई थी बस। और वॉलेट आप भूल गए होंगे गाड़ी में? हाँ जरूरत के मुताबिक पैसे मैंने निकाल लिए थे मार्केट जाने के लिए। बस यही लापरवाही आप करते हैं, इतने ही पैसे होंगे आपके वॉलेट में, आपसे गिनने में कोई गलती हो रही है। अरे नहीं भाई, मैं जब किरण को लेने के लिए गया हूँ तो वहीं से मैंने बैंक से पैसे निकलवाए, उसके बाद ऑफिस गया हूँ, फिर ये। बस फिर लाजमी पंक्चर की दुकान पर ही किसी ने पैसे निकाले, आप ना बहुत लापरवाही करते हैं। खैर छोड़ो तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह और देगा, मैं और निकलवा लूंगा। हाँ लेकिन आइंदा ना ख्याल से रखिएगा। अच्छा खैर ये बताएं आपका दिन कैसा गुजरा? हाँ दिन तो हसबे मामूल अच्छा रहा, तुम ये बताओ कि काशिफ की तबीयत कैसी है? हाँ काशिफ की तबीयत बस बेहतर ही है। खैर मैं किचन में जा रही हूँ, वरना किरण खुद खाना बनाने खड़ी हो जाएगी। ठीक है। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि घर के काम नहीं किया करो, मगर तुम सुनती नहीं हो।
रिजवान को पता चलेगा तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। बाजी आपको पता तो है कि मैं ढीठ हूँ और ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर लिया है मैंने। आपको तो पता है कि घर के छोटे मोटे काम है और आपने जो हमें यहाँ रखा है हमारे खाने पीने का दवाइयों तक का खर्चा उठा रही है, उसके आगे ये कुछ है वाला? थोड़ा सा काम ही तो है। बिल्कुल भी नहीं, आप यहाँ काम करने नहीं आएंगे, मैं आपको यहाँ मासी बनाकर नहीं लाई हूँ, समझिए आप सुकून के लिए लाई हूँ, आराम के लिए लाई हूँ। और ये ज़ाहिदा कहाँ है, ये क्यों नहीं करी? ज़ाहिदा, ज़ाहिदा। बाजी हो जाएगा ना। जी बाजी बोलिए। कहाँ थी तुम और ये किरण क्यों काम कर रही है? बाजी वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो दवाइयां लेने गई थी। अच्छा खैर ठीक है, आज से इस घर के काम के साथ ना किरण के भी सारे काम का ख्याल तुम्हें रखना है, समझे तुम? जी बाजी। और पैसों की फिक्र नहीं करना, मैं तुम्हें पैसे बढ़ाकर दूंगी, ठीक है? जी बाजी आप फिक्र मत कीजिएगा, हो जाएगा आप ही। ये तो थोड़े बहुत मामूली से काम है, मैं अपने घर पे भी तो करती थी ना। हाँ तो माँ तुम्हारी बड़ी बहन नहीं थी ना, यहाँ पर आपको सिर्फ काशिफ का ख्याल रखना है, समझिए आप? और ज़ाहिदा आइंदा मुझे शिकायत ना मिले। चलो अंदर। आप भी ना। सॉरी भाई, इतनी देर कर दी आज आपने। हाँ यार आज थोड़ा टाइम लग गया वो। अरे खाना लगाओ, तुम खाना क्यों नहीं खाया भाई? बस रिजवान भाई हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। रिजवान भाई हमने आपको बहुत मुश्किलों में डाल दिया है ना। रिजवान भाई आप लोगों की शफकत और एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे यार तुम लोगों ने क्या एहसान एहसान की रट लगा रखी, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुम्हारा भाई हूँ क्या? और अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। बस रिजवान भाई आप दुआ करें कि मैं जल्द ठीक हो जाऊं और ठीक होते ही इंशाल्लाह सब लौटा दूंगा। देखो काशिफ अगर तुमने दोबारा इस तरह की बात की ना तो मैं समझूंगा कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। नहीं रिजवान भाई, अगर मेरा कोई सगा भाई होता ना तो वो बिल्कुल आपके जैसा होता। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ? रिजवान भाई आप भी ना हर बात का गलत मतलब ले जाते हैं। तो साली साहिबा आप भी इस तरह की बात ना किया करें। वो ये साली बहनों की बातें खत्म हो जाएं तो हम खाना शुरू करें। जी हुजूर। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई आज? बाजी वो अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है तो सोचा जल्दी काम करके जल्दी घर चली जाऊं। चलो ठीक है फिर करो तुम काम। बाजी वो कुछ पैसों की जरूरत थी, दवाइयां लेनी है। चार दिन पहले तो तनख्वाह दिए मैंने तुम्हें। बाजी वो पैसे जो है वो घर के किराए और दवाई में लग गए। ज्यादा मुझे लगता है कि सारे जहान की बीमारियों ने ना तुम्हारे घर का रुख कर लिया। हफ्ते में एक दिन तुम किसी ना किसी बीमारी का बहाना करके छुट्टी कर लेती हो। बाजी ये सब ये ऊपर वाले का काम है, गुर्बत ने ऐसा कर दिया है कि खाएं क्या और दवा क्या ले जाएं। अच्छा ठीक है तुम सफाई करो, मैं नाश्ता बना लूं फिर तुम्हारे भाई से बात करके बताती हूँ। जी बाजी। मोबाइल कहाँ चला, ये तो इसका यार। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, कहाँ गायब हो गया मोबाइल मेरा। क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे यार वो मोबाइल नहीं मिल रहा, देखा तुमने? आपका मोबाइल है मुझे क्या पता। अच्छा एक काम करो मेरे नंबर पे कॉल करो जरा। आपका नंबर तो बन जा रहा है। बन जा रहा है? चार्ज किया था आपने रात को? हाँ भाई चार्ज किया था, इतनी जल्दी थोड़ी चार्जिंग खत्म होगी। तुम ये बताओ उसमें रात भर गेम तो नहीं खेलती रही हो? नहीं भाई मैं रात को जल्दी सो गई थी, बल्कि मेरी रात को आँख खुली थी तो आप बिस्तर पर नहीं थे। आप तो मेरे सीने में जलन हो रही थी, मैं मेडिकल स्टोर तक गया था सिर्फ मेडिसिन लेने के लिए। नहीं छोड़कर आ गए होंगे आप मोबाइल भी। पता नहीं यार समझ नहीं आ रहा है। बहरहाल अभी आप ऑफिस जा रहे हैं ना तो आप मेडिकल वाले से पता करते हुए जाइएगा,
ठीक है, मैं नाश्ते लगा रहा हूँ, आप आ जाएं। चलो ठीक है। और हाँ, रात को आपको जल्दी आना है। क्यों? यार आपको बताया था ना शाकराबाजी की बेटी की शादी में जाना है। ओके ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी यार, वैसे लेट हो गया, आ जाओ। चलो जी, ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चाय। आप ही फिर से चाय? अभी कुछ देर पहले तो हमने चाय पी है। हाँ लेकिन वो साथ नहीं पीती ना, तो उस चाय में चाह नहीं थी। अरे आपदा बहन, आप लोगों की मोहब्बत और खुलूस देख के ना मेरा तो इंसानियत पे और भरोसा हो गया, वरना मेरी बीमारी के बाद तो हमारे अपनों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया था। मतलब तुम हमें गैर समझते हो? नहीं नहीं भाई, आप और रिजवान भाई का हम पर बहुत एहसान है, वरना हमारे पास तो मकान का किराया देने तक के पैसे नहीं थे। आप लोग बस हमारे लिए दुआ किया करें। और चाय पिए, ठंडी हो जाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार अब्दा, कितनी देर लगाओगी भाई, क्या हो गया है? हो गई दो मिनट। वो एक बात का फोन आया था, हॉल में पहुंच चुके हैं। हाँ चले चले, बस मैं भी आपको। ठीक है, अच्छा मेरी फोन आ गया यार। हाँ जी जी, हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। एड्रेस समझ गया। बस निकला, 5 मिनट में निकलता हूँ घर से मैं। ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वाह भाई, आपने नया फोन लिया और मुझे बताया भी नहीं। अरे नया कहाँ लिया है भाई, ऑफिस में पुराना फोन पड़ा था, वही सुबह से इस्तेमाल कर रहा हूँ यार मैं। वैसे एक बात है, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। अरे वो चूड़ियां कहाँ तुम्हारी सोने की, तुमने जो आज के लिए बनवाई थी भाई? वो जवान, हालात इतने खराब हैं, आपको पता है कितनी डकैती है, और ये मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं ये आर्टिफिशियल पहन लूंगी ना। अच्छा चलो ठीक है, बहरहाल जल्दी 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 चलो। हाँ शाबाश। ये पहनना है, चले चले चलो। आइए लेडीज फर्स्ट। ये लीजिए आपकी चाय। नहीं मेरा दिल नहीं चाह रहा है। दिल नहीं चाह रहा? संडे के दिन आपका दिल नहीं, आप तो चाय की कप की लाइन लगा देते हैं। हाँ लेकिन आज मन नहीं कर रहा है। अच्छा तुम एक काम करो, अपना चूड़ी का सेट तो लेके आना करो। वो सेट ना मैंने सेफ में रखा है, मैं आपको दे दूंगी बाद में। तो सेफ में रखा है? कौन सा बैंक के लॉकर में रखा है? और तुमने ही तो कहा था कि बुरे वक्त में अगर काम आ जाए तो। दरअसल वो मुझे एक पार्टी को पेमेंट कर रही है और मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं है जो मैं फौरी कर सकूं। वो रिजवान, वो सेट ना मिल नहीं रहा है ना। आपको कैसे पता? आप तो, मैं देख रहा हूँ कि घर से कुछ सामान गायब तो जा रहा है। मैं आपको ये सब बताना चाहती थी, और मैं चूड़ियों के बारे में भी आपको बताना चाह रही थी। मैं समझ नहीं आ रहा ये सब कौन कर सकता है, ये जायदा तो नहीं कर रही? नहीं नहीं, जायदा तो बाजी घर बहुत पुरानी काम करने वाली है और काबिले भरोसा है, वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है ये जायदा ही कर रही है। रिजवान, वो मुझे हर दूसरे दिन पैसे मांग रही होती है, मेरी माँ की तबीयत खराब है, दवाइयाँ लानी है, वो हमारे अच्छाई का फायदा उठा रही है। फायदा जायदा नहीं, कोई और उठा रहा है। कौन? किरण। क्या कह रहे हैं आप? पता है ना आपको आप क्या कह रहे हैं? हाँ मैं जानता हूँ, और तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं कोई भी बात बगैर वसूख के नहीं कहता। रिजवान बहन है वो मेरी, और आप उस पर इल्जाम लगा रहे? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। आज जब तुम सुबह मार्केट गई थी तो समझ नहीं आ रहा कि घर में सब क्या हो रहा है, कभी मोबाइल गायब हो रहा है, कभी पैसे, और यहाँ तक कि आपदा की ज्वेलरी भी गायब हो गई। सही कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन अगर तालाब को साफ करना है तो गंदी मछली को पकड़ना ही पड़ेगा।
अरे वो जाहिदा नहीं आई? नहीं भाई, आज जाहिदा तो नहीं आई। अच्छा अच्छा, वो आपदा कहाँ है? अब आप ही तो मार्केट गई हुई है, कोई काम है भाई तो मुझे बताइए। अरे नहीं नहीं, काम तो नहीं, बस वो कमरा बिखरा हुआ था ना, मैंने सोचा वो आपदा से सफाई करूं। अरे कमरा बिखरा है, मैं दो मिनट में अभी समेट देती हूँ, आप फिक्र ना करें। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, आपदा आएगी सही कर देगी वो। अरे आप तो गैरियत बरत रहे हैं, बहन भी कह रहे हैं और काम भी मना कर रहे हैं। अरे वो तो ठीक है, मैं खुद कर लूंगा सही। अरे भाई मैं कर दूंगी ना, बहन के होते हुए आप क्यों करेंगे। जी जी मुझे भाई, आपदा मैं तुम्हें ये बात बताना तो चाह रहा था, लेकिन मुझे किरण से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कहाँ जा रही? तालाब से गंदी मछली को निकालने। अरे आपदा मेरी बात तो सुनो तुम। आपदा आपदा, हे यार, इस ऑस्टिन के सांप को बोल रही थी मैं। अभी आपको कोई गलत फहमी हो गई है, आप मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हैं। कोई गलत फहमी नहीं है मुझे, ना मैं तुम पर कोई इल्जाम लगा रही। रिजवान ने सबूत जमीन पकड़ा है तुम्हें। सबूत? कैसे सबूत? हाँ, अरे मोबाइल, पैसे और ज्वेलरी गायब होने में मेरा शक तो उस नौकरानी जायदा बता। लेकिन लेकिन जायदा के लिए बिछाए गए जाल में ना तुम फंस गई। जाल? कैसा जाल? रिजवान ने सुबह अपने तकिए के नीचे कुछ पैसे रखे थे, और वो पैसे, लेकिन वो पैसे तो मेरी छोटी छोटी होती ना तुम, और काशिफ का आखिरी सहारा नहीं होती तो अब तक मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर चुकी होती। नहीं आपदा, मैं नहीं, खुदा के वास्ते हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। या अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, क्यों नहीं मर गया मैं? बस तो मैं ही हूँ काशिफ, कहीं का नहीं छोड़ा इसने मुझे, सिपल के मैं भूल जाऊं मेरी बहन है तू, मेरे घर से निकल जा, मेरे घर से निकल जा, दफा हो जाओ मेरे घर से। आपदा मेरी बात सुनो, ऐसी हालत में ये लोग कहाँ जाएंगे, कुछ ख्याल करो इनका। किरण सामान पैक कर, अब इस जन्नत में हम नहीं रह सकते, हमें यहाँ से जाना होगा, हमें जाना होगा, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो आपदा। मैं अभी मेरी बात तो सुने, ऐसे निकल जाओ। आपदा क्या बात है, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम बिल्कुल खामोश खामोश रहने लगी हो। उस वाकये के बाद तो मैं आपसे नजरें मिलाने के भी लायक नहीं रही, मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे अरे पागल हो गई हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती? मेरी बात मानकर, मेरे कहने पर आप उन लोगों को इस घर में लाए थे ना, और मेरी बहन ने मुझे आपकी नजरों में शर्मिंदा करवा दिया। देखो किरण ने जो कुछ किया मुझे उसका गम नहीं, लेकिन वो जो लोगों से कह रही है उससे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लोगों से क्या कह रही है वो? वो सबसे कहती है कि हमने उसको झूठा इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। सब मुझे आपसे एक बात और करनी है। हाँ हाँ कहो, खैरियत तो है? इज़्ज़ान कल जब मैं सब्जी लेने गई तो मैं काउंटर पर कुछ पैसे रख कर गई थी, और जब मैं वापस आई तो वो पैसे नहीं थे। अच्छा तो फिर ये हरकत कौन कर सकता है? बस भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं आया जब मैंने ये सुना कि किरण सबसे ये कहती फिर रही है। बस भाभी, हमने तो नेकी करनी चाहिए थी, लेकिन लगता है शायद ये नेकी हमारे गले पड़ गई। मैं तो रिजवान के सामने नजरें भी नहीं उठा सकती, एक तो मेरी अपनी सगी बहन ने इतनी गलत हरकत की,
और अब जगह जगह तरह तरह की बातें करती फिर रही है। बस क्या करें, ये तो दौर ही ऐसा है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, लेकिन अल्लाह तुम लोगों की इस नेकी का सिला तुम लोगों को जरूर देगा। मैंने तो उन्हें दिल से माफ किया है, लेकिन जब लोगों से तरह तरह की बातें सुनने की मिलती है तो दुख होता है बस। अरे मैं हूं ना सबकी आंखें खोलने के लिए, मैं सबको ये हकीकत जरूर बताऊंगी। भाभी आप चाय तो पिए। हाँ बस इतने दिन बाद मुलाकात होती है कि हमारी बातें ही खत्म नहीं होती। वैसे भाभी इन हालात में सोने की चूड़ियां पहनकर निकलना ठीक नहीं है। अरे ये तो एक बाल लेकर आए थे, बस लगती इतनी प्यारी हैं जब से ही हाथ में पड़ी हुई हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चूड़ियां हैं, कहाँ से बनवाई इकबाल भाई ने? रिजवान मुझे ऐसी चूड़ियां बनवानी है। अरे भाई मैं खुद पूछ लूंगा, भाभी को चाय तो पीने दो, भाभी चाय पिए आप। अरे हमारी तो बातें इतनी होती हैं। आपदा अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हैं। अरे भाई वो तुम्हारी जो सोने की चूड़ियां चोरी हुई थी ना, मैंने उसके चोर का पता लगा लिया है। हैं? कैसे कहां? अरे शाकरा भाभी के जाने के बाद ना मैंने इकबाल भाई को कॉल की थी और उनसे उस दुकानदार का पता पूछा जिससे उन्होंने चूड़ियां खरीदी हैं। बस एड्रेस लेके पहुंच गया दुकान पर और उस दुकानदार से मैंने कहा कि हमारी जो चूड़ियां चोरी हुई थी वो आपकी दुकान पे बेची गई हैं। तो वो कहने लगा कि भाई हम ना तो चोरी की चीज़ खरीदते हैं ना बेचते हैं, अगर आपके पास वो चूड़ी की तस्वीरें दिखाएं। तो मैंने वो तुम्हारी चूड़ी की तस्वीर उसको दिखाई तो मालूम उसने क्या किया? अरे उसने वो उन चूड़ियों की रसीद मुझे दिखा दी और कहने लगा जो सेट बेच के गए ना चूड़ियों का वो रसीद साथ देकर गए। मतलब रसीद के साथ बेची गई चूड़ियां? जी जनाब, यानी तुम्हारी चूड़ियों के साथ साथ वो रसीद भी चोरी हो गई है। और पता है चोर कौन है? कौन? ये देखो। जाहिदा जब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं थी तो तुमने सब कुछ क्यों किया? भाई मैं मजबूर थी, मेरी माँ की बीमारी ने मुझे बहुत मजबूर कर दिया था। सायदा तुमने जब जब मुझसे पैसे मांगे ना मैंने तुम्हें पैसे दिए, मगर तुम इस हद तक गिर गए कि तुमने मेरी अलमारी से ज्वेलरी निकालकर बेच दी। ज्वेलरी? कौन सी ज्वेलरी बाजी? मैंने आपकी कोई ज्वेलरी नहीं बेची, बस एक बार आपके पैसे जरूर चुराए हैं। झूठ मत बोलना मुझसे। मुझे रिजवान ने अपने मोबाइल में वो वीडियो दिखाई है जिसमें तुम दुकान पर ज्वेलरी बेच रही हो। नहीं बाजी, मैंने कोई ज्वेलरी नहीं बेची बाजी। मैं इतनी गिरी भी नहीं हूँ, मैंने आपके पैसे जरूर चुराए हैं। देखो जाहिदा सच बोल दो, अरे तुम्हारी वजह से हमने किरण पर शक किया, उस बेचारी को घर से निकाल दिया। मैं भाई झूठ क्यों बोलूंगी? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे किरण बाजी ने ज्वेलरी दी थी बेचने के लिए। बकवास मत करना बिल्कुल। अपनी चोरी छुपाने के लिए तो मेरी मासूम बहन पर इल्जाम लगा रही हो? नहीं बाजी, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही। मुझे खुद किरण बाजी ने कहा था कि ये ज्वेलरी ले जाओ और बेच दो, लेकिन मना किया था आप दोनों को बताने से। उन्होंने मैंने वो ज्वेलरी जो बेची है उसके पैसे भी उन्होंने मुझे दिए। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं प्रॉमिस करती हूँ, कसम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुलजिम भी सामने है और सबूत भी। ये सब तुमने किया है ये मैं जान गई थी, लेकिन क्यों किया है ये मैं जानना चाहता हूँ। किसी के एहसान का बदला कोई ऐसे देता है किरण? मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? मैं तुम्हें अपने घर लेकर आई, तुम्हारा और तुम्हारे शोर का ख्याल रखा, तुम्हारी उम्मीद तुम्हारी सोच से ज्यादा, और तुमने मुझे मेरी ही शोर की नजरों में गिरा दिया। आपी मैं क्या करती,
मेरे पास ये सब करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ये सब करने की नौबत ही क्यों आई किरण? तो मुझसे भी तो कह सकती थी। आपी, काशिप बहुत खुददार इंसान है, इन्होंने जिंदगी भर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। तुमने तो मेरे हाथ ही काट दिए किरण। मैंने इन्हीं के इलाज के लिए अम्मी की ज्वेलरी गिरवी रखकर थोड़ा कर्ज लिया था। अभी इनका इलाज बहुत तवील होता चला जा रहा था, पैसे पानी की तरह लग रहे थे, हम बहुत कर्जदार हो गए थे। मैं कहां से कर्जा उतारती आपी? हमारे घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था। आपने पूछा था ना कि अम्मी की ज्वेलरी कहाँ है, मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने अम्मी की वही निशानी वापस लाने के लिए ये सब किया, मैं सच तक गिर गई थी आपी। तुमने अपनी इसी बहन के लिए कहा था ना कि वो हमारी खिदमत करते करते थक गई है, इसलिए हम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। किरण, जब मैं तुम्हें अपने घर लेकर आई थी ना, तुम जब मुझे ये बात बताती, मैं खुद तुम्हारे साथ जाके ज्वेलरी लेकर आती। मैं बहुत डर गई थी आपी, मैं अपनी बची हुई इज्जत और वकार बचाना चाहती थी। मैं पहले ही आपके सवालों की तले बहुत दब गई थी आपी। तुमने मुझे अपनी ही नजरों में गिरा दी, शायद अब मैं जिंदगी भर सर उठा के ना जी सकूं। तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया किरण, जीते जी मार दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दे आप लोग। कुछ गलतियां माफी के काबिल नहीं, सजा के काबिल होती है। मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। मैं तुम्हें काशिफ प्लीज प्लीज ऐसा नहीं करना मेरे भाई। अरे कसूर सिर्फ किरण का नहीं, हम सब कसूरवार हैं। इस्लाम में तो रिश्तेदारों के साथ सिलेरहमी का बड़ा अजर है, और हम लोग अपने गरीब रिश्तेदारों को भूलकर अफेद पोश लोगों से ताल्लुक रखते हैं, जबकि गरीब रिश्तेदारों की मदद करने का अजर बहुत है। देखो काशिफ मेरे भाई, मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। चलो मैं तुम्हें अपने घर साथ ले जाना चाहता हूँ। चलो मेरे भाई, बस उठो 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 बस। जिंदगी हमेशा भी इतनी मेहरबान नहीं होगी कि आप गलती करें और वो आपको माफ कर दे, जैसा कि इस स्टोरी में हमने देखा। जिंदगी में हमेशा हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि एक अच्छे काम के लिए कोई दूसरा गलत काम ना करें, किसी चीज़ को बचाने के लिए किसी चीज़ को तबाह ना करें, क्योंकि अगर आप कुछ गलत करेंगे तो उसका एंड में आपको वैसा ही पे बैक करना पड़ेगा। तो बात सिंपल सी है कि अगर किसी शख्स ने आपको फेवर किया, कोई सपोर्ट की, जैसा कि इस स्टोरी में हम देखते हैं, तो हमें चीज़ों को या तो डिस्कस करें, अगर कोई हमारा अपना एजेंडा है, कोई हमारा माइंड में कुछ ऐसी चीज़ है, कोई स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं, कोई प्लानिंग है, तो उसको डिस्कस करें। और ख़ास तौर से वो फैमिली मेम्बर्स के जो आपकी केयर करते हैं, जो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा सोचते हैं, तो उनको कभी भी डार्क में ना रखें। इससे हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इससे हमेशा रिश्तों में तलखियाँ पैदा होती हैं। एक सिस्टर आउट ऑफ द वे जाके दूसरी सिस्टर को अपने घर लाती है, और दूसरी सिस्टर अपने मकासद के लिए उस सिस्टर का नुकसान करती है। इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो, इस स्टोरी में सिस्टर्स हैं, रियल लाइफ में ब्रदर भी हो सकते हैं, रियल लाइफ में कजन्स भी हो सकते हैं। तो बात समझने की यह है कि कोई भी शख्स अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो उसके साथ खुल के अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, और कभी भी उस शख्स को नुकसान पहुँचाने की ना सोचें। Always think positive and have positive.